आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान भास्कर उदय हो रहे हैं, भगवान भास्कर प्रकाश जगत में फैला रहे हैं। देखिए धीरे धीरे भगवान भास्कर बाहर आ रहे हैं। दरअसल ये नज़ारा है शिव की नगरी सिवनी के करीब 7 किलोमीटर दूर पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा तक का। सुबह सवेरे लगभग 6 बजे का नज़ारा। पितृपक्ष में यहाँ पितरों को जल दिया जा रहा है, पितरों का तर्पण किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लाइन से बैठे हुए हैं लोग और अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। भाद्रपद मास का मास पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इस समय पितरों को तर्पण और श्राद्ध करना शुभ माना गया है, जिससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पितरों की प्रसन्नता का परिणाम हमें आम दिनचर्या में होने वाली घटनाओं से पता चलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर के प्रसन्न रहने से व्यक्ति को हर प्रकार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पितृपक्ष हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष से लेकर अमावस्या तक मनाया जाता है। इस दौरान गया में जाकर पितरों का पिंडदान किया जाता है। दरअसल गया में पिंडदान इसलिए किया जाता है क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान फाल्गु नदी में किया था, तभी से ही पिंडदान का कार्य गया में ही किया जाता है। पितृ के प्रसन्न होने पर इसका सीधा असर उत्तराधिकारी पर पड़ने वाली शुभ कृपा से पता लगाया जा सकता है। आचार्यों के अनुसार इतना ही नहीं, पितृ के आशीर्वाद का असर व्यक्ति के आय सौभाग्य में हो रही बढ़ोतरी में देखने को मिलता है। इसके साथ ही कारोबार और कैरियर में मनचाही सफलता अगर मिल रही है तो समझ जाइए पितृ प्रसन्न है। इसके अलावा आय के भी अलग अलग रास्ते खुलते दिखते हैं। कुछ संकेतों में यदि व्यक्ति के पितृ प्रसन्न है तो परिजनों के बीच प्यार और स्नेह देखने को मिलता है। साथ ही सभी एक दूसरे को सहयोग करते नजर आते हैं, सब मिलकर तरक्की करते हैं। आचार्यों के अनुसार पितृ प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के घर कौआ भोजन करता है, और कौए छत पर आकर अगर बैठ गए और दिया गया भोजन ग्रहण कर लिया तो समझ जाइए पितृ प्रसन्न है और उनकी विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पैनगंगा का लखनवाड़ा घाट, और यहाँ आप देख सकते हैं तर्पण कर रहे हैं, यहाँ पर पितरों को जल दे रहे हैं। दरअसल एक सिर्फ यही पितृ पक्ष का माह होता है जब इस तरह की मान्यता है कि पितृ धरती के बहुत करीब आते हैं और वे अपने उत्तराधिकारियों के द्वारा, अपने पुत्र पुत्रियों के द्वारा या उनके और जो वंशज हैं उनके द्वारा, जो उनका अंश है उनके द्वारा जल दिए जाने पर बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं और आशीष देकर जाते हैं, जो सीधे सीधे आपके कैरियर पर और आपके रोजी रोजगार पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुण्य सलिला बैनगंगा का उद्गम भी सिवनी है, और सिवनी से उद्गमित बैनगंगा नदी का लखनवाड़ा तट, ये लखनवाड़ा का घाट आपको दिख रहा होगा, और लखनवाड़ा घाट में पुराना पुल, नया पुल और दोनों के बीच में दूर रेलवे का पुल दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए भगवान भास्कर भी आपको आसमान पर दिखाई दे रहे होंगे। भगवान भास्कर धीरे धीरे उदय हो रहे हैं। कितना सुंदर मनोरम नज़ारा होता है। बैठकर पितरों का तर्पण यहाँ पर कर रहे हैं, पितरों को जल दे रहे हैं यहाँ पर जितने लोग हैं, और सुबह पौ फटने के पहले ही लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और आचार्यों के द्वारा यहाँ पर उन्हें विधि विधान पूर्वक जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार जल देने की यहाँ पर क्रिया कराई जाती है ताकि पितृ प्रसन्न हो सकें। विभिन्न आचार्य यहाँ पर आते हैं और लखनवाड़ा घाट यहाँ आप देख सकते हैं, लखनवाड़ा घाट पर आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पितरों को जल देकर प्रसन्न करने का कार्य कराया जा रहा है। तिल, जौ, चावल, फूल, ये आवश्यक सामग्रियाँ बताई गई हैं। तिल, जौ, चावल, फूल
जनेऊ के साथ में गमछा और धोती और पैथी जो कुशा से बनी हुई होती है। कुशा एक तरह की घास को ही कहा जाता है और उससे जो भी ये पैथी बनती है उस पैथी के जरिए दोनों उंगलियों में उसे धारण किया जाता है। एक विष्टा होती है और एक कमर में लगाने के लिए अलग से रहती है। आचार्यों के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कराया जा रहा है विधि विधान के साथ। जिनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, पिता ब्रह्मलीन हो जाते हैं, वे यहाँ पहुँच कर अपने पितरों को, पिता, दादा, नाना, नानी, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, जो भी ब्रह्मलीन हो चुका है उसे जल अर्पित किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुबह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं जो पितरों को जल देते नज़र आते हैं। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भगवान भास्कर यहाँ उदय होते हुए दिख रहे हैं। कितना सुंदर मनोरम नज़ारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।